अभी रामायण का पाठ आप लोगों ने सुना, रामचरितमानस सार सटीक से बाल कांड से। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चार भाई हैं, है ना। बाल कांड में भगवान का बाल रूप का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान राम जब छोटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो सरजू नदी के तट पर जाते थे, वहाँ स्नान करते थे, सरजू नदी में स्नान करते थे और स्नान करके फिर किनारे में बैठ करके भजन करते थे, भजन करके फिर गेंद भी खेलते थे वहाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। अन्य अन्य रामायण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि चारों भाई मिलकर के वहाँ गेंद खेलते थे। तो गेंद जब खेलते थे चारों भाई में, तो इधर से राम भगवान मारते थे गेंद को, तो बोलते थे लक्ष्मण उधर से तुम मारो, है ना, लक्ष्मण उधर से तुम मारो। तो लक्ष्मण जी महाराज सोचते हैं कि जिस गेंद में भगवान राम का चरण लग गया, तब हमें पैर लगाना अच्छा नहीं होगा ना, अब उसमें पैर लगाना हमारा अच्छा नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उसको हाथ से उठा लेते हैं, हाथ से उठा करके भगवान राम के चरणों के पास रखते हैं। फिर भगवान राम फिर मारते हैं, लक्ष्मण जी जब नहीं मारते हैं तो फिर मारते हैं, किसकी तरफ जाता है गेंद, भरत की तरफ जाता है, भरत तुम मारो। तो भरत जी महाराज गेंद को जोर से मारते हैं, भरत जी महाराज गेंद को जोर से मारते हैं। देखिए भरत जी संत हैं, भरत जी क्या है, संत हैं, और संतों का हृदय आने की अलमारी है। जैसे अलमारी में कोई चीज़ रखा हुआ हो, शीशा लगा हुआ हो, तो लोग बाहर से देख लेते हैं, ठीक उसी तरह से संत जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज अंतर्यामी थे, देख लेते थे, साधन भजन में थोड़ा भी जो ऊपर चढ़ जाता है वो देख लेता है आदमी को, है ना, आदमी को देख लेता है, परख लेता है। तो उसी तरह से अलमारी में कुछ भी रखा हुआ हो तो बाहर से शीशा से देख लेते हैं। तो भगवान राम इधर से गेंद मारते हैं, तो उधर से भरत जी मारते हैं गेंद को, बहुत ज़ोर से मारते हैं, तो राम भगवान पीछे गचक जाते हैं। तो शत्रुघ्न जी कहते हैं, प्रभु आप पीछे क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हो गए, आप भी मारिए गेंद को। तो भगवान राम कहते हैं, नहीं नहीं लक्ष्मण, जिस गेंद में भरत का चरण लग गया, भरत संत है, और जिस गेंद में भरत का चरण लग गया तो राम को चरण लगाने की जरूरत नहीं, उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा, उसका उद्धार क्या होगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा उसका उद्धार। अब देखिए भगवान भरत जी जब गेंद मारते हैं ना, पैर लगाते हैं गेंद में, तो जो फुटबॉल होता है उसमें ब्लैडर भी होता है, ब्लैडर होता है ना, फुटबॉल में ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर सहित फुटबॉल जो है भगवान ये भरत जी के चरणों में चिपक गया जाकर के। चिपकने का मतलब क्या है, संत दुनिया में भूले भटके लोगों को क्या करते हैं, ज्ञान दे करके ईश्वर से मिला देते हैं। कहने का मतलब हुआ, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है और संसार झूठा, ब्रह्म ने ईश्वर, ब्रह्म ने ईश्वर, ईश्वर सत्य है और संसार कैसा है, झूठा है, माया है, है ना। जीवो ब्रह्मय नापरा, जीव ब्रह्म ही है लेकिन जीव ब्रह्म को यानी ईश्वर को नहीं देख पाता, क्यों, माया में है। बढ़िया उदाहरण से समझिए, जैसे चुंबक होता है, आप आगे बढ़ जाइए ना, इधर माइक नहीं है ना, सुनिएगा अच्छा रहेगा ना, आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, माइक नहीं है ना कि आवाज़ आएगी, आगे आ जाइए, उधर भी तो आवाज़ आ रही है, उधर से भी, हाँ आगे आइए, आवे से तो बैठल रहो जी, हाँ अब जोर से नहीं होता हूँ, तो आ गया वो। हाँ अब क्या हुआ, क्या बोल रहे थे, जैसे लोहा है, बढ़िया समझिए, लोहा है तो लोहा को चुंबक क्या करता है, खींचता है नहीं, लोहा को चुंबक क्या करता है, खींचता है, लेकिन लोहा अगर कीचड़ में सना हुआ हो तो उसको चुंबक खींचेगा, नहीं खींचेगा। आप चाहते हैं कि लोहा चुंबक में सट जाए तो क्या करना पड़ेगा, कीचड़ को धोना पड़ेगा,
कीचड़ को धोना पड़ेगा, पानी को पोछना पड़ेगा और फिर आप रखेंगे चुंबक के पास तो उसको खींच लेगा, है ना। ये बात एक आदमी ने क्या किया, एक बक्सा में लोहा रख करके, है ना, और कपड़ा में लपेट करके रख दिया बक्सा में, है ना। उसमें पारस था, उसमें क्या था, पारस था। तो पारस क्या करता है, लोहा को सोना बनाता है। तो कपड़ा में जो बंधा हुआ था तो नहीं बन सका। बोला क्यों नहीं बना महाराज, वो तो पारस के पास ही पड़ा हुआ था, बन जाना चाहिए, तो क्यों नहीं बना। तो उसमें आवरण था, है ना, रुकावट था कपड़ा का, कपड़ा का रुकावट होने के कारण वो नहीं बन पाया। तो उसी तरह से जीव ईश्वर नहीं बन पाता है। जीव बहुत दुखी है दुनिया में, नहीं, जीव बहुत दुखी है, बहुत प्रकार का दुख है जीव को। और जीव सुखी कैसे होगा, हाँ, जीव कैसे सुखी होगा। यही उपाय है सत्संग कीजिए, क्या कीजिए, सुनिए, बहुत सुनिए। काकभूषण जी कहते हैं, बहु काल करिए सत्संगा तब होई है संशय सब भंगा। बहुत काल तक सत्संग करिएगा तब संशय, संशय क्या, ईश्वर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम तो ईश्वर को मानते हैं, हमको तो ईश्वर को पूरा विश्वास है। कुछ नहीं मानते हैं आप। जिस दिन ईश्वर में विश्वास हो जाएगा उस दिन आप ईश्वर हो जाइएगा। विश्वास विश्वास कुछ नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं बिनु विश्वास भगत ही नहीं, और तही बिने द्रव ही न राम, और राम कृपा बिनु सपने ही जीव न लही विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है, विश्वास ही नहीं तो भक्ति क्या करिएगा। और तही बिने द्रव ही न राम, तही बिने द्रव ही न राम। जब तक आप में विश्वास नहीं होगा तो राम जी द्रवीभूत नहीं होंगे, कृपा नहीं करेंगे। भगवान राम जा रहे थे, जब मैया जानकी का हनन हो गया, भगवान राम जा रहे थे, लक्ष्मण दोनों मिल गए हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज मिल गए। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे हुए हैं भगवान राम के, लेकिन भगवान राम उठा नहीं रहे हैं, केवल देख रहे हैं। बहुत देर हो गया, घंटों हो गया, गिरे हुए हैं चरणों में, लेकिन भगवान राम खड़े हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु कोई भक्त है आपके, आपके चरणों में गिरे हैं, इनको क्यों नहीं उठाते हैं आप। तो भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण ये कपट करके आया हमारे पास, ये हमारे पास कपट करके आया है, तो इसके सामने हम क्या प्रकट होंगे। पहले ये अपने को आपको खोले, पहले ये अपने आप को खोले, तब अपने आप को प्रकट करेंगे। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में आए थे बंदर, अब आए थे पुटरी पत्थर, क्या बोलते हैं, पत्रा लेकर के आए थे, चंदन लगा के आए थे, और गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके आए थे। ये पाखंड है भगवान राम की नज़र में, ये सब क्या है, पाखंड है। भगवान राम क्या कहते हैं, भगवान राम कहते हैं क्या, निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल वाला वन हमको अच्छा लगता है, छल कपट हमको अच्छा नहीं लगता है। भक्ति मगर छल कपट है तो आप कोई भक्त नहीं है, आप कालनेमी है, आप क्या है, कालनेमी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। जैसे ही हनुमान जी महाराज अपने रूप में आते हैं, वैसे ही भगवान उनको क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। देखिए उनको क्या करते हैं, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, तुरंत भगवान उठा करके गले लगा लेते हैं और उनके सारे पाप ताप को मिटा देते हैं। सारे पाप ताप को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब कितने तरह का दुख है जीव को जानते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अब दैहिक ताप होता है, दैहिक ताप क्या है, बुखार लग गया, बुखार लग गया, ये दैहिक ताप है। अब भौतिक ताप क्या है, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, ये भौतिक ताप है। किसी जीव के द्वारा जो कष्ट होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। अपने आप जो रोग हो जाता है उसको दैहिक ताप कहते हैं। बुखार आ जाना, मलेरिया हो जाना, टाइफाइड हो जाना आदि आदि, शरीर में घाव हो जाना आदि,
और एक दैविक ताप होता है। दैविक ताप क्या होता है? अतिवृष्टि हो गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, है ना? यह तो तीन तरह का दुख है, इसी को ताप बोलते हैं, दुख को ही ताप बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम के राज्य में किसी को व्याप्ता नहीं है। तो भाई राम राज त्रेता को कहते हैं, हैं राम राज त्रेता को कहते हैं। तो क्या त्रेता युग में किसी को दुख नहीं था? अरे किसी को तो छोड़िए, भगवान राम को ही चैन नहीं था। और किसी को बात तो छोड़ दीजिए, भगवान राम ही सीता के वियोग में सीते सीते कर करके रो रहे हैं, और लक्ष्मण जी को शक्तिमान लग गई, भगवान राम रो रहे हैं। और की तो बात छोड़िए, भगवान राम ही रो रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ की बात कर रहे हैं, जरा विचार करिए, ध्यान की बात कर रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का, राम राज्य में जो चला गया, राम राज्य कहाँ है? त्रिकुटी मंडल में विद्या सारा, ये त्रिकुटी मंडल में जो चढ़ गया वहाँ दुख नहीं आएगा। वो शरीर में है नहीं तो दुख क्या आएगा? दुख तो तभी होगा जब शरीर में है, अब शरीर में नहीं है तो दुख क्या होगा? गुरु महाराज को घाव हो गया था चेहरा पर, एक फुंसी, बाबा लोग सेवा करते थे गुरु महाराज की, सेवक ने पूछा, गुरुदेव आपके चेहरे पर घाव हो गया है, फुंसी हो गई है, दर्द करता होगा, फोड़ दे। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज से पूछा आपको दर्द होता है कि नहीं? गुरु महाराज कहते नहीं जी, हमको दर्द नहीं होता है, हमको दर्द नहीं होता है। मतलब क्या? गुरु महाराज शरीर में नहीं रहते थे। अगर दुखों से दूर होना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए, शरीर से ऊपर उठिए, अपने को उठाइए, है ना? हम लोग दिन तो दिन रात रचे पचे हैं माया में, माया में खेल रहे हैं दिन रात, तनिक बैरागी नहीं है, हाँ। एक दिन दो दिन भी बेटा बहू को छोड़ करके अलग नहीं रह सकते, कितना रचे पचे हैं, माया में भींगे हुए हैं, कैसे होगा, हाँ कैसे होगा? निर्मोही राजा की कहानी सुने हैं? निर्मोही राजा की कहानी सुने हैं? नहीं। निर्मोही राजा था, अपना देश का ऐसा इतिहास है, राजा मौरध्वज हुआ, नाम सुने, राजा मौरध्वज, मौरध्वज बड़े ही ज्ञानी ध्यानी और दानी थे राजा। तो भगवान कृष्ण गए हैं उनके यहाँ, अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि प्रभु आपके सबसे बड़े दानी भक्त कौन है, मैं तो कर्ण का नाम सुना हूँ। कहते नहीं जी, कर्ण नहीं है, तो प्रभु कौन है? तो चलो हम ले चलते हैं, चलो हम ले चलते हैं, वही ले जाते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण बन जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो ब्राह्मणों के प्रति बड़ी मन में सेवा भाव है, राजा को बैठने के लिए आसन दिया, उनका चरण प्रक्षालित किया और कंदमूल फल खिलाया भगवान को, कंदमूल फल ला करके दिया। तो भगवान ने कहा हम नहीं खाएंगे, भगवान ने क्या कहा? हम नहीं खाएंगे। तो कहा प्रभु फिर क्या खाएंगे आप, आपकी सेवा हम कैसे करेंगे? तो बोला हम एक चीज़ खाएंगे। बोला क्या? उसको एक ही बेटा था मौरध्वज को, बोला तुम्हारा बेटा का मांस खाएंगे। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा बेटा का मांस खाएंगे। देखिए तैयार हो गया, बोला ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं है, आप ही लेने वाले हैं, आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले हैं, आप ही देने वाले हैं, तो इसका बलि करो, और अपने हाथ से बलि करना पड़ेगा। आरा चलाया बीच में खड़ा करके, हाँ क्या बोलता है तो मौरध्वज अपना बेटा को आरा से पति पत्नी चीर रहा है, और भगवान आंसू निकलने वाला था, खबरदार आंसू नहीं निकलना चाहिए, आंसू निकलेगा तो नहीं खाएंगे हम। तो एकदम काट हो गया, क्या हो गया? काट हो, आंसू को रोक लिया,
किए, आंसू को रोक लिया और मांस उसी का बनाया, मांस बन करके तैयार हो गया, भगवान को भोग लगने लगाया। भगवान कहते हैं मौरध्वज अपना बेटा को बुलाओ, तो प्रभु उसका तो मांस बन गया, अब वो कभी नहीं आ सकता है। भगवान तुम बुलाओ तो देखो, तुम बुलाओ तो बेटा मौरध्वज, भगवान बुला रहे हैं आओ। जब इतना बोला तो मौरध्वज उधर से दौड़ता दौड़ता आ गया। मौरध्वज दौड़ता दौड़ता देखिए भगवान की कृपा कैसे, भगवान की कितनी कृपा होती है। अपने देश में कैसे कैसे राजा होते, राजा जनक कैसे राजा थे, है ना? तभी तो राजा जनक को ऐसी बेटी पैदा हुई जानकी, कौन? सीता। अच्छा सीता के संबंध में जानते हैं, सीता मैया कैसे प्रकट हुई? सुना देते हैं श्री सद्गुरु महाराज की। राजा जनक राजा नीमी के पुत्र थे, किनके बेटे थे? राजा नीमी के पुत्र थे राजा जनक। लंबी कथा है, उधर नहीं जाएंगे। जानकी मैया कैसे प्रकट हुई जानते हैं। त्रेता युग में रावण बड़ा महत्वाकांक्षी राजा हुआ, बड़ा दुराचारी, बलवान, शक्तिशाली ऐसा और जवान हुआ, है ना? रावण के डर से चले रावण कापई धरनी। रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, है ना? रावण चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी, और इतना अत्याचार रावण, बतलाते हैं सबसे टैक्स लेता था रावण, और सब राजा डर के मारे टैक्स पहुंचा देते थे। अपने मंत्री से पूछा, भाई सब राजा महाराजा टैक्स देता है? बोला हाँ महाराज सब तो देता है, लेकिन एक नहीं देता है। बोला कौन नहीं देता है? बोला ऋषि मुनि। ऋषि मुनि टैक्स नहीं देता है। बोला क्यों नहीं देता है? बोला आप पूछिए क्यों नहीं देता है। बोला देखो हमारे राज्य में रहता है और हमारे राज्य का भोजन करता है, जल पीता है, वायुमंडल का सांस ग्रहण करता है, घूमता फिरता है, आनंद लेता है, तो फिर क्यों नहीं टैक्स देगा? उससे भी टैक्स लो। तो उसका मंत्री गया, रावण का मंत्री गया कहाँ? ऋषि मुनि के पास। रावण ने भेजा है कि आप भी टैक्स दो। तो कहा कि भाई हम टैक्स क्या देंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो बाबा जी हैं, न घर है रहने का, कोई भोजन देता है तो भोजन करते, किसी घर में रहते हैं, है ना? हमारे पास तो कुछ है नहीं टैक्स देने का, तो हम क्या दें? बोलिए, बात भी सही है। तो वो मंत्री चला गया रावण के पास कि महाराज वो ऐसी बात बोल रहा है, क्या करें? तो कहा नहीं नहीं वो भी टैक्स देगा। तो क्या टैक्स देगा सो बता दीजिए। बोला कुछ नहीं है तो खून तो है उसके शरीर में। क्या बोला? कुछ नहीं है तो उसके शरीर में खून तो है, उसका खून मांगो। सब ऋषि मुनि कहा कि खून देने के लिए रावण बोला है। बोला ले लो खून, कोई बात नहीं, खून दे सकते हैं, खून ले लो। तो सब ऋषि मुनि के शरीर से खून निकाला, और खून निकालने में दर्द होता है, नहीं होता है? इंजेक्शन से खून जब निकालता है डॉक्टर, दर्द होता है ना? और ऋषि मुनि जो तपे तपाए महात्मा है, उसका खून ले रहा है, और खून लेकर के कहाँ रखा है? घड़ा में, है ना? घड़ा में रखा खून, तो घड़ा में रख करके अपने राज्य में लाया, खून रख दिया राजदरबार में। तो उसका जो गुरु था शुक्राचार्य, रावण का गुरु कौन था? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य योगी था। शुक्राचार्य ने कहा अरे दुष्ट रावण, तुम्हारा राज्य का नाश हो जाएगा, ऋषि मुनि का खून ला करके तू राज्य में रखा है, ये खून जहाँ भी जाएगा उसको नाश कर देगा, जल्दी से हटाओ रातों रात। तो रावण उस घड़ा को लेकर के कहाँ, सोचा कि जहाँ भी घड़ा रहेगा वहाँ का राज्य नष्ट हो जाएगा। तो रावण जब दिग्विजय के लिए चला था, है ना, दिग्विजय विश्व विजय करने के लिए चला था, तो बतलाते सबको हरा दिया था, जैसे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना? तो लव कुश ने घोड़ा को पकड़ लिया था ना,
तो युद्ध हुआ था। घोड़ा को पकड़ने का मतलब है युद्ध, और घोड़ा स्वतंत्र चला जाए तो समझिए कि उसका झंडा फहरा गया, है ना। तो लव कुश ने पकड़ लिया तो मुकाबला करना पड़ा, युद्ध हुआ, है ना। और युद्ध में लव कुश ने भगवान राम समेत सबको पराजित कर दिया, हनुमान जी को तो बांध लिया, भरत जी को मूर्छित कर दिया, भगवान राम प्रकट हुए, फिर कहानी सामने आई, माता जानकी आई, फिर रहस्य का उद्घाटन हुआ, है ना, फिर लड़ाई शांत हुई। तो क्या कर रहा था रावण ने सोचा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबको तो हरा दिया था लेकिन राजा जनक को नहीं हरा पाया था, तो बोला उसी का नाश कर देंगे, क्या रावण का नाश कराएंगे। तो घड़ा लेकर के रातों रात पहुंच गया कहाँ, राजा जनक के राज्य में, जनकपुर। और जनकपुर में वो जाकर के धरती के नीचे गाड़ दिया। अब गाड़ तो दिया लेकिन देखिए कितना बड़ा पाप हुआ, ऋषि मुनि का खून है, ऋषि मुनि का श्राप पड़ेगा। क्या हुआ, अकाल हो गया, 12 साल तक अकाल पड़ा, बरसा नहीं, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, अन्न के बिना जल के बिना धरती वीरान हो गई, दरार फट गया धरती में, वहां आप सकून हुआ। अब लोगों ने सोचा कि भाई ये दुख कैसे दूर होगा, अकाल पड़ गया, राजा जनक के पास लोग जाते थे कि महाराज हमको भोजन दो, तो राजा जनक भी कहा भाई हम क्या भोजन देंगे, अकाल पड़ा, अन्न पैदा होगा तुम तो देंगे, हम अन्न ही पैदा नहीं हुआ। मखड़िया तो कम है यहाँ तो, हाँ आइए विषय पर आइए। क्या कर रहा था, जमीन वाला बात कर रहा था, जमीन में जो गाड़ा था, जमीन में जो गाड़ा था, ऋषि मुनि का जो खून था उसके प्रभाव से जो पाप किया रावण, अकाल पड़ गया 12 साल तक। तो फिर ऋषि मुनि को बुलाया गया, है ना। एक ऋषि सनातन थे, कौन, सनातन, उस समय सनातन ऋषि बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे। तो सनातन ऋषि से पूछा गया कि महाराज यह अकाल जो पड़ा हुआ है कैसे दूर होगा, तो कहा कि राजा जनक, यदि राजा जनक बड़ा तपस्वी राजा है, महात्मा है, अगर राजा जनक खुद हल चलाएगा अपने हाथ से तो अकाल दूर होगा। तो राजा जनक को कोई अहंकार नहीं था कि हम राजा होकर हल क्यों चलाएंगे प्रजा के लिए, वो तैयार हो गए और खुद अपने हाथ से हल चलाए। तो हल चलाए तो क्या हुआ, टकरा गया वही घड़ा में, घड़ा में जो टकराया ना, हर का जो फार होता है ना, फार, उसको सीता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीता, कहीं कहीं सीत भी बोलते हैं, कहीं पर अलसी भी बोलते हैं, बहुत तरह का नाम उसका है, और कहीं पर सीता बोलते हैं। तो घड़ा फूट गया, घड़ा जो फूट गया तो फिर घड़ा को बाहर निकाला गया, तो उससे घड़ा से एक दिव्य कन्या, सुंदरी कन्या निकली। तो राजा जनक उसको ले आए अपने राज दरबार में, उसका नाम वही सनातन ऋषि ने किया, उसका नाम क्या रखा जाए, तो उसका नाम उन्होंने कहा देखो शीत के स्पर्श से घड़ा फूटा है इसलिए इसका नाम सीता होगा, श्री सदगुरु महाराज की सीता, सीता माता, हाँ जगदम्बा, जैसे पार्वती हैं उसी सीता है, जैसे पार्वती मैया है, पूरे दुनिया में कितने सिद्धपीठ है जानते हैं, शक्तिपीठ है कितने हैं, 52, और तीर्थ कितने हैं बताइए, 64 तीर्थ, याद रखिए तीर्थ कितने हैं, 64, और शक्ति कितने हैं, 52 शक्ति। शक्तिपीठ, श्री सदगुरु महाराज की जय, उधर बच्चा करता।
हाँ, तो इस तरह से सीता मैया का प्राकट्य हुआ है ना। अब कहानी तो जानते ही हैं और सारी बात रामायण पढ़े ही हैं। भक्ति की बात सुन रहे थे, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। देखिए हम घर गृहस्थी में हैं, बाल बच्चों में हैं, पर मुल्ला बता देता हूँ कैसे भजन करोगे। सत्संग मंदिर में जाओगी तो पोता हाथ पकड़ लेगा, पोती हाथ पकड़ लेगी, कंधा पर बैठ जाएगा, आप सत्संग में नहीं जा पाएंगे। चाहे सास हो चाहे ससुर हो, अपना चाबी नहीं छोड़ना चाहता है ना, हम ही मालिक बने रहे हैं। हाँ, चाबी नहीं छोड़े छे, हम ही रह भाई, हमारे बहू अभी नहीं, अभी हमें छियो। देखो बुड़बक है बेटा, जब योग्य बन जाए, बेटा जब समझदार हो जाए, काम चलाने लगे, तो चाबी दे देना चाहिए बेटा को, बेटा चलाओ, और माला ले लेना चाहिए हाथ में, हाँ भजन करो। बतबै छियो ना, तुरा जुक्ति बतबै छियो ना हमें, हाँ बतबै छियो। देखो बेटा योग्य है, जवान है, बहु योग्य है, जवान है, तो चाबी उसके हाथ में दे दीजिए और आप भजन कीजिए। अब आप यही बुद्धिमानी है, और नहीं तो फंसे रहिएगा इसमें, तो कब भजन करिएगा, फिर भजन कब करिएगा। बहुत दुख है दुनिया में। कबीर साहब कहते हैं, बड़ी दुर्गतिया हो साहब, साहब जीव की बड़ी, हमरो बड़ी दुर्गतिया हो, हे साहब हमारी बड़ी दुर्गति है, बड़ी दुर्गति जीव की। सो सो जूता खाए घुस तमाशा देखे, हाँ सो सो जूता खाए घुस तमाशा देखे। सिनेमा का जो टिकट कटाता है, देखते हैं हम, देखे हैं कॉलेज में जब पढ़ते थे, आदमी को उर्मी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है, दुमहला मकान पर चढ़ करके वो टिकट ले लेता है जल्दी से, और कितना लाज जूता उसको मारता है, अरे तो टिकट पहले ले लिया। तो सो सो जूता खाए अघू सिनेमा देखे, है यही हाल जीव की है, बड़ी दुर्गति है जीव की। भजन कीजिए, आप भजन भूख भूख रहेगी तब ना भोजन कीजिएगा, वैराग्य रहेगा तब ना भजन कीजिएगा। बहुत समय आपके पास है लेकिन वैराग्य नहीं है तो भजन नहीं करिएगा। आपके मुंह से जाप नहीं निकलेगा। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। क्यों भजन नहीं होता, पाप करते हैं, भजन कैसे होगा। पाप के कारण भजन अच्छा नहीं लगता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ने सुहाए। बहुत लोग सत्संग में आते हैं नहीं आ पाते हैं, है ना, नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, क्यों, पूंजी नहीं है, कहाँ से आइएगा, इतने लोग हैं यहाँ, गृह कारज नाना जंजाला फंसे हुए हैं मकड़ जाल में। मकड़ा देखते हैं, मकड़ा खुद जाल बनाता है, उसमें फंस के मर जाता है। तो हम लोग भी अपना जाल बुन दिए हैं, ये जाले न है सब, मकान दुकान दुनियादारी नाती पोता बेटा बेटी सब जाले न है, और उसमें फंस के मर जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा साकरा, भक्ति का जो द्वार है बड़ी साकरा है। भक्ति द्वारा साकरा राई दसवें भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाओ। हमारा जो मन है तो ऐरावत हाथी के समान विशाल है, और वो जो प्रवेश करने का रास्ता है ना, भक्ति का जो द्वार है बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है, कैसे प्रवेश करेंगे। मन महीन कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, ये संसार जो है नाम रूपात्मक है। इस संसार में दो चीज़ है, नाम और रूप, बढ़िया समझिए, क्या है, नाम और रूप। कोई भी चीज़ देखिए तो उसका नाम है। देखिए छोटा सा बच्चा है तो उसका भी कुछ नाम रखा गया होगा ना, क्या नाम है उसका, छोटा बच्चा का, हाँ आरुषि नाम है ना। आज उसका रूप भी है, बच्चा का रूप भी है। कोई भी चीज़ देखिए, माइके है, मोबाइल है, तो इसका नाम भी है, इसका रूप भी है। तो दो चीज़ है, नाम और रूप, उपाधि है, संसार की उपाधि है नाम और रूप।
तो ये संसार नाम रूपात्मक है। गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले एक नाम को पकड़ो तो सब नाम छूट जाएंगे। एक नाम को पकड़ेंगे, एक मंत्र का जप करेंगे तो सब तरह का बात शब्द छूट जाएगा ना। एक जप में मन लग जाएगा, वो जप बहुत तरह का होता है। ओम नमः शिवाय भी है, ओम भी है, ओम हरि भी है, बहुत तरह का मंत्र है। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये भी है। ओम नमः शिवाय भी है, पंचाक्षरी मंत्र है ना। नमः शिवाय भी है, ओम नमः शिवाय भी है, ओम विष्णु में नमः भी है और नमो विष्णु में नमः भी है। तो ये जो सब मंत्र है, इस मंत्र का जप करने से बड़ा लाभ होता है। देखिए, किसी को घाव हो जाता है तो पंसारी का गंधक लाता है, तो पंसारी के गंधक से खाने से घाव ठीक नहीं होता है, फदक जाता है घाव और फैल जाता है, ठीक क्या होगा। ठीक उसी तरह से मंत्र तो बहुत है वेदों में, शास्त्रों में, लेकिन सदगुरु का जो बताया हुआ मंत्र है वो वैद्यराज का सोधा हुआ गंधक है। वैद्यराज का जो सोधा हुआ गंधक है उसको खाने से घाव ठीक हो जाता है। इसलिए गुरु मंत्र को जपना चाहिए। गुरु गीता में भगवान शंकर, माता पार्वती पूछती है भगवान शंकर से, हे प्रभु कौन ऐसा मंत्र है जिसको जपने से जीव को जल्दी से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, सप्त कोटि महामंत्रा, क्या बोलते हैं, चित्त विभ्रंश कारका, सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारका। 7 करोड़ जो महामंत्र है ये चित्त को विभ्रंश यानी बहिर्मुखी करता है। एक महामंत्रो, एक ही वो मंत्र है क्या, गुरु रित्यक्षर द्वयम देवी, हे देवी हे पार्वती, 2 अक्षर वाला गुरु मंत्र जो है ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ये मंत्रा नाम राजा अस्ति, ये मंत्रों का राजा है। ये क्या है, सभी मंत्रों का राजा है। इसको जपने से जीव जल्दी से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। देखिए संत कबीर साहब क्या जपते थे, सतनाम, क्या जपते थे, और गुरु नानक साहब क्या जपते थे, वाहे गुरु, और अपना गुरु महाराज उसे भी छोटा कर दिए, हे गुरु। श्री सतगुरु महाराज की गलती हो गई। यहाँ सब सत्संगी है ना भाई, बिना सत्संगी तो नहीं कोई, तब कोई बात नहीं, तब कोई बात। श्री सतगुरु वो नहीं समझते, समझते तो समझते सर, कौन जी समझ, वो करते तो भला हो जाते, कोई बुरा थोड़े होते। नारद वो चिल्लाने लगे, कहे नारद तू क्यों चिल्ला रहा है, मंत्र जो दिए तू चिल्ला रहा है। बोला प्रभु जो सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, इसमें क्या है, छिपाने की क्या बात है, जो सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। कहे बात तो ठीक ही कहता है, वही बात है। हमारे गुरु महाराज तो पहले सबको प्रकट कर दिए थे। गुरु महाराज आ गया, गुरु महाराज पहले आगे आगे बोलते थे, अब भक्त लोग पीछे पीछे बोलता था। हाँ स्वामी व्यासानंद बाबा को आश्रम में चलता है, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब गुरु महाराज के मंत्र को जपना है ना। बाद में गुरु महाराज फिर मन ही मन जपने लगे। देखिए गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है जो भजन करता है। बेटा बहू यही ना है, आपका बेटा बहू कौन है, तो बेटवा को बैठाइए ना, बेटवा रामायण पढ़ता है अंदर में, दामाद बैठा हुआ है, बेटवा को बैठाइए। आज सुन तो एक दो शब्द तुमने कान में जीतो करा, तुमने सेवा करते थोड़ा, बेटा भी सुने, बहू भी सुने, घर का पूरा परिवार सुने, तो सत्संग का 16 आना लाभ होता है ना, 16 आना लाभ होता है। हाँ, घर घर देखा है, कई लेखा क्या करिएगा। तो इस घर में हम आए हैं पहले भी, किरण उषा माता है ना, उषा माता, और इनका बेटा भी अच्छा है, छोटा था उस समय, भाई छोटा था, उस समय हम आए थे,
अरे भाई रमता जोगी बहता पानी, क्या पता इतना प्रोग्राम है, इतना प्रोग्राम मांगता है भाई एक आदमी, हम कहाँ कहाँ प्रोग्राम देंगे, देश से विदेश तक है कहाँ तक प्रोग्राम देंगे। लेकिन देखिए कोरोना वायरस के पहले आए थे, अब देखिए अभी संजोग की बात है, कहाँ मुजफ्फरपुर गया था वही लोग पकड़ रहे थे हमको, लेकिन कहाँ नहीं रुकूंगा मैं, है ना। हमारे ऊपर भी क्या भूत सवार हो गया कि हम भी फोन कर दिए रेणु बहन को, हाँ रेखा बहन रेणु बहन को, और वो भी बोले बाबा एकदम ऐबे करिए, हमारे मुन्ना भाई हैं, है ना, मुन्ना भाई को नंबर दे दिया था, इनको फ़ोन किया बोला बाबा आइए। अब देखिए आए तो देखिए कितना घर में सत्संग हो गया, है ना, कर देंगे माता जी, वो करेंगे, समय लेके आए हैं कर देंगे, धीरज रखिए कर देंगे। श्री सदगुरु थोड़ा गृहस्थ धर्म सुनाते हैं, सुनिए गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, है ना। गृहस्थ का मतलब होता है घर में रहना, तो घर में कैसे रहा जाता है, एक घर में परिवार में माता होते हैं, पिता होते हैं, दादा दादी सब होते हैं, पता है ना, भाई बहन सब होते हैं, तो किनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये जानना चाहिए, किनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। एक घर में गृहस्थ की बात बताता हूँ, दो भाई था, किसान था, तो एक भाई सत्संगी था बड़ा वाला, छोटा वाला सत्संगी नहीं बना था, तो बड़ा वाला बड़ा ज्ञानी था, तो धान का फसल हुआ खलिहान में, बंटवारा हुआ 50-50 मन दोनों का, हिसाब पड़ा 50-50 मन, तो बड़ा भाई ने सोचा कि हमारा छोटा भाई नाबालिग है, तो अपनी पत्नी से बिना पूछे 10 मन अपना ढेरी से निकाल करके भाई के ढेरी में डाल दिया। जब डाल दिया तो उसकी पत्नी आई, बड़ी वाली बड़ा भाई का पत्नी आई, बोले बंटवारा हो गया, बोला हाँ, बोला कौन सा ढेरी हमारा है, बोले ये ढेरी तुम्हारा है, ये ढेरा ढेरी भाई का है, तो बोलते बड़ा छोटा लगता है, क्या बोला, बड़ा छोटा लगता है, तो बड़ा भाई देखिए सत्यवादी था, बोला बड़ा छोटा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है, नापा गया है, तौला गया है, नहीं विश्वास है तो फिर तौल लो, तो तौला गया दोनों को, तो दोनों 85-85 निकला, कम नहीं निकला, दोनों 85, ऐसा नहीं कि 60 एक निकला 40 निकला, ऐसा नहीं निकला, दोनों 85-50 निकला। ये उदारता की बात है, घर में परिवार में है ना उदारता रखना चाहिए, भाई भाई में झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, मिलजुल करके रहो, है ना, और माता पिता की सेवा करो। हेलो, अरे बंद करो ने कहा है के लिए सब दुकानदारी कर तो बंद करो, दुकानदारी तो कर भी कर तो दिन दो। श्री सदगुरु हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, एक दुकानदार था उसके घर में गए सत्संग करने के लिए, वो फोन हरदम करे गुरु महाराज का, अरे अभी वो दुकानदारी करता है बेटा, एक घंटा तू हम पर छोड़ दे, तुमको घाटा होगा तो घाटा हम जिम्मेवार होंगे, घाटा का जिम्मेवार हम होंगे। और उस दिन इतना दुकानदारी चली उसकी, इतना दुकानदारी चली कि कभी उतना नहीं कमाया था। ऐसा सत्संग से सब कुछ मिल जाएगा ये समझना चाहिए, सत्संग से सब कुछ मिल जाता है, कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा, सकल पदार्थ है जगमाही, सब कुछ है, इसलिए सत्संग भी सुनना चाहिए, और केवल सुन करके नहीं रहना चाहिए, कुछ भजन भी करना चाहिए। अरे भाई आपके घर में मान लीजिए डकैती हो रहा है, ठीक है, डकैती हो रहा है, चोर आ गया, बदमाश आ गया, मार रहा है, पीट रहा है, धन छीट धन जो है चुरा रहा है ना, तो उस समय चिल्लाओगे चोर चोर, तो पड़ोसी से अगर प्रेम नहीं है तो दौड़ेगा पड़ोसी, कह लूटने दो मारने दो, लेकिन पड़ोसी से अगर प्रेम किया है तो अजामिल पुकारता था नारायण नारायण नारायण, प्रकट हो नारायण का दूत आ गया, क्यों, प्रेम किया था भगवान का नाम, प्रेम से एक ही बार पुकारता था। देखिए ऐसा नहीं कि बहुत पुकारोगे, भजन थोड़ा सा ही करो, दिल से करो,
लोग बेकार की बात करते हैं, हमको समय नहीं है। अरे कौन खाता 24 घंटे तो भोजन करवाए। एक ही माला फिर न बढ़िया से, फिर दिल से, फिर श्रद्धा से, प्रेम कपट छोड़ करके फिर, है ना। गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्याद और तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो जो सदग्रस्त होते हैं, जो सत्संग को समझते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, और नहीं तो आज तो माता पिता को बाहर कर देते हैं, नौकरी लगी और पत्नी को लेकर के लोग अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता ने तुमको पाला पोसा बड़ा किया है ना, उसको ख्याल रखो, ख्याल रखो। कहने का बहुत बात है। आज हम सत्संग करने के लिए श्रीमती उषा माता जी के घर में आए हैं, है ना। इनके दो बेटा हैं, दो बेटा है लवकुश, और ये भी इसी रास्ते पर चलते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से ज्ञान गंगा बहे, सत्संग होता रहे, और जितने भी सत्संगी, हाँ हाँ बेटी आई है, दामाद भी आए हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से। हमको बेगूसराय के सत्संगी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारे माता बहनों में भी इतनी श्रद्धा है। हमारी रेखा बहन है, बहुत सारे बहनें हैं, नाम नहीं जानता हूँ, सब मिलकर के सत्संग करती है, बहुत बढ़िया सत्संग करती है, बहुत बढ़िया। कई रेखा है यहाँ देखिए बैठी हुई, रेखा भी है, रेणु भी है, उषा भी है, सब मिलजुल करके सत्संग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मिलजुल करके सत्संग किया कीजिए और सत्संग को फैलाइए। गुरु का ज्ञान, गुरु का झंडा को ऊपर करना चाहिए ना, गुरु का ज्ञान को झंडा क्या करना चाहिए, ऊपर कर देना चाहिए। बोलिए प्रेम से आरती।